Yes, very good morning, my dear students. I hope you all are fine at your home. Okay, students, well, students, today we will start last type of the numericals of electric potential, and today our electric potential chapter will be completed. Okay, successfully, and along with the every type of the numericals for CBSE, for NEET and for JE mains, not for advanced. Okay, तो बेटा स्टार्ट करते हैं. यस्टरडे वी हैड डन न्यूमेरिकल्स टाइप सी पार्ट सी अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड इन द लिंक. ओके, टुडे वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स पार्ट डी. लास्ट टाइप है ये न्यूमेरिकल्स की. ओके, और इम्पोर्टेंट है. एंड बेटा आज के न्यूमेरिकल्स के सेशन में लास्ट का जो न्यूमेरिकल होगा इतना इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इतना इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ हुआ है वो न्यूमेरिकल नीट में, JE में. नीट के लिए थोड़ा उसका लेवल हाई है, JE मेंस का बहुत पॉपुलर न्यूमेरिकल है वो, और CBSE के लिए वो न्यूमेरिकल नहीं है. उसका कांसेप्ट मैं तुम्हें दूंगा. ओके, तो ट्राई करेंगे बेटा उस न्यूमेरिकल को भी. तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना रिमेनिंग पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 इन द असाइनमेंट. जस्ट चेक क्वेश्चन नंबर 17 इन द असाइनमेंट व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड यस्टरडे. लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारा कल रह गया था, टाइम के लिमिट खत्म हो चुकी थी, तो आज इसे स्टार्ट करते हैं. क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा एक बार. द पॉइंट चार्ज क्यू इज विद इन द कैविटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल हुज आउटर सरफेस. यस बेटा, मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं. एक आउटर सरफेस है बेटा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. कैसा चार्ज है इस पे? पॉजिटिव चार्ज. ओके, इसके अंदर कोई कैविटी है, कोई शेल है, कोई भी शेप दे सकते हो कैविटी को, शेल को, कोई भी शेप. एक कैविटी है जिसमें हमने चार्ज को रखा हुआ है, प्लस क्यू का चार्ज है. ओके, और इस पॉइंट पर मुझे P पॉइंट जो R डिस्टेंस पर है, इस पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, चेक कर लो. पोटेंशियल U का शेप, फाइंड पोटेंशियल. मुझे यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, बी बताना है. ओके, ये पॉजिटिव है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, तो इसके बाहर क्या हो जाएगा, इंडक्शन के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. देख सकते हैं सभी, इंडक्शन के कारण इस पर क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो अगर मैं बात करता हूं इनसाइड द कंडक्टर, ये जो शेल है, ध्यान से समझना बेटा इस कॉन्सेप्ट को. एक लाइन में इसका आंसर आएगा, एक लाइन में, ज्यादा नहीं है, समझना ज्यादा है कि इसके अंदर कैविटी, दिस इज द कैविटी, अंदर से होलो है. ठीक है, और ये भी मैग्नेट शेल होगा. यस, तो ये जो होलो है इसके अंदर अगर हम प्लस क्यू रखेंगे, तो इस प्लस क्यू के कारण इसकी कैविटी के सरफेस पर नेगेटिव चार्ज अपने आप आ जाएगा, ड्यू टू द इंडक्शन, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होगा. और अगर मैं अब इनका नेट चार्ज की बात करूं, मतलब इस सरफेस के अंदर, बड़े वाले स्फीयर के अंदर नेट चार्ज कितना है, प्लस क्यू, जितना प्लस क्यू था उतना ही माइनस क्यू आ गया ऊपर, तो नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो. तो यहाँ पे बेटा नेट आ जाएगा जीरो, तो अंदर इसके कोई चार्ज नहीं होगा. कहने को उन्होंने कह दिया कि अंदर चार्ज है, लेकिन इंडक्शन के कारण जितना प्लस क्यू बनाओगे उतना ही उसके ऊपर माइनस क्यू आएगा, माइनस क्यू आने के कारण नेट चार्ज जीरो हो जाएगा. ठीक है, अब बचा सिर्फ ऊपर वाला चार्ज. ठीक है, सरफेस वाला तो किसी पॉइंट पर अगर तुम कैलकुलेट करोगे, कल भी किया था ना आउटसाइड वाला, कि सरफेस के कारण जो ये चार्ज है इसके कारण किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं बेटा, कि कितना चार्ज है, सेम ही चार्ज होगा क्यू, क्यू चार्ज ही है यहाँ पर भी, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आंसर. सिर्फ ये समझना था हमें, ये कॉन्सेप्ट समझना था कि अंदर का जो नेट चार्ज है वो जीरो है. चाहो तो इसे गॉसियन सरफेस लेके भी कर सकते हो, कि तुमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ले लिया और गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया. ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, तो उसके बेसिस पे भी कर सकते हो, थोड़ा लेंथी चला जाएगा, लेकिन बेसिकली ये सबसे बेस्ट है कि हाँ हमें सिर्फ इसमें फॉर्मूला ही देखना है. इसकी अगर मैं तुम्हें वैल्यूज दे देता तो उसे सॉल्व कर लेते तुम. ठीक है,
तो आई एम जस्ट गिविंग यू कंसेप्ट्स, तो इस कंसेप्ट को कैप्चर कर लो अच्छे से, और सिंपल फॉर्मूला लगा दिया बेटा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा ये कुछ लाइंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसको लिख लीजिएगा। लिखना यहाँ से पहले ये वाला पॉइंट बाद में लिखना, पहले ये लिखेंगे। क्या लिखना है बेटा, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, समझ लो सीबीएसई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ तुम्हें, मैं लाइन पढ़ता जा रहा हूँ, तुम देखते जाना। ड्यू टू चार्ज क्यू और नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू विल बी इंड्यूस्ड, क्योंकि हमें पॉजिटिव का एक क्यू सेंटर पे गिवन है, ठीक है। ड्यू टू चार्ज क्यू और नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू विल बी इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ कैविटी, जो अंदर वाली कैविटी है उस पे अंदर वाले प्लस क्यू के कारण उस कैविटी के सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कैविटी एंड प्लस क्यू चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस, और फिर ये जो इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है इसके कारण इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इंडक्शन के कारण। इस प्लस क्यू से गेम स्टार्ट हुआ था, इस प्लस क्यू ने यहाँ पे नेगेटिव को इंड्यूस किया, इस नेगेटिव ने इसको इंड्यूस कर दिया। अंदर वाला प्लस क्यू और अंदर वाला नेगेटिव का नेट अगर चेक करेंगे तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या बाहर वाला चार्ज, ठीक है। तो ये लाइन लिख लेंगे, चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस व्हिच विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस पे, क्यों कंडक्टिंग है। उसके बाद इसके बाद लिखेंगे बेटा पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी ओनली, जो P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है सिर्फ किसके कारण होगा, आउटर चार्ज जो बाहर प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण होगा, और डेट इज वो कितना होगा पोटेंशियल K मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना है Q डिवाइडेड बाय R, ठीक है, डिस्टेंस का डिवाइड कर देंगे। यहां पे बेटा स्क्वायर लिख दिया हमने, इसे हटाओ, पोटेंशियल के ऊपर कोई स्क्वायर कोई क्यूब नहीं आता, जल्दी में लिख दिया हमने गलती से, ठीक है। तो ये आंसर आ गया बेटा, समझ आ गया, ये लिख लेना कि जब तुम रिवाइज करोगे तब भी तुम्हारे को पता चलेगा कि हाँ ये क्यों यही क्यों लिख दिया सिर्फ, ठीक है, ये कंसेप्ट माइंड में रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा फटाफट से, टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स। ये क्वेश्चन तो बेटा हो चुका है, होमवर्क में डाल दे इसको, चलो देख लो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई वालों बच्चों के लिए और नीट के लिए होगा, जेईई में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। Yes. क्या क्वेश्चन है, टू कोसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस A1 एंड A2। यहाँ पर दो शेल बना लेते हैं, ये कल भी किया था हमने, शेल वाला कोसेंट्रिक शेल वाला क्वेश्चन है ये। इसका रेडियस है बेटा A1, इसका रेडियस है A2। ये तुम्हें जो फिगर है ये मैंने दिया हुआ है, असाइनमेंट में चेक कर लीजिएगा। आर चार्ज टू पोटेंशियल A1 A2 आर चार्ज टू पोटेंशियल 5-1 एंड 5-2। तो इसका ये 5-1 एंड 5-2 बेटा इसका आंसर इसकी टर्म्स में आएगा, रेस्पेक्टिवली फाइंड द चार्ज ऑन द इनर शेल, और हमें इनर शेल के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है, लेकिन किसके टर्म्स में फाइंड आउट करना है, 5-1 एंड 5-2 की टर्म्स में, क्योंकि आर चार्ज टू पोटेंशियल 5-1 एंड 5-2। यस, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, इनर सरफेस वाले कॉन्सेप्ट्स हमें और अच्छे से आते हैं, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। यस बेटा, तो करें स्टार्ट बेटा, वही सेम कॉन्सेप्ट्स है बेटा, वही इनर आउटर चेक करने पड़ेंगे। तो लेकिन इसमें पोटेंशियल उन्होंने वी ना देके, V1 और V2 ना देके उन्होंने फाई ले लिया, वी को इस पर फाई लिख रहे हैं, उनकी मर्जी है, हमें इसमें कोई वो नहीं है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो पोटेंशियल को मैं फाई से लिखूंगा, वी से नहीं लिखूंगा इस क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं बेटा वन, ये वाला सरफेस A1 है, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं स्फीयर,
शेल और ये हो जाएगा सेकंड शेल, कॉन्सेंट्रिक शेल है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल मान लेते हैं वो 5-1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा 5-2 हो जाएगा। इस पे चार्ज ले लेते हैं Q1, इस पे चार्ज ले लेते हैं Q2। इतने काम हमने कर दिए, क्यों कर दिया अभी पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पोटेंशियल की कि मुझे इसके शेल के ऊपर, फर्स्ट शेल के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, V1 नहीं 5-1 लिखना है, तो कैसे देखोगे बेटा? एक तो इसका अपना ही चार्ज होगा, इसका अपना चार्ज मान लिया हमने Q1 है, ठीक है। तो KQ1 और इसके रेडियस कितना होगा सेंटर से A1। तो ये एक तो इसके ऊपर पोटेंशियल होगा, इसके सरफेस के ऊपर। लेकिन एक पोटेंशियल इस चार्ज के कारण जो बाहर वाले स्फीयर के ऊपर, जो बाहर वाले शेल पे चार्ज है, उस चार्ज के कारण भी इसके अंदर वाले शेल पे भी पोटेंशियल होगा। तो वो कितना होगा? तो आंसर है कि उसका जो शेल के ऊपर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल उसका अंदर भी होगा, क्योंकि अंदर पोटेंशियल सेम रहता है। ये कल किया था ना, मैं यहाँ लिख दूं कि V सरफेस प्लस V इनसाइड, तो फिर कितना हो जाएगा बेटा? वो यहाँ पे लिख लेते हैं K, चार्ज कितना है उसके पास Q2, और उसका रेडियस कितना है A2, ये हो जाएगा। ये बेसिकली जो फॉर्मूला है ये इस शेल के ऊपर निकलेगा पोटेंशियल, लेकिन हम कहेंगे जो पोटेंशियल इस शेल के ऊपर निकलेगा वही पोटेंशियल अंदर भी होगा सेंटर तक। तो ये तो यहाँ तक हमने देखना, सेंटर तक हम पहुंचे नहीं, सिर्फ यहाँ पर भी वही होगा, हर पॉइंट पे वही होगा, ठीक है। तो 5-1 निकल गया, 5-2 भी निकाल लो। 5-2 मतलब बाहर वाले शेल पे टोटल पोटेंशियल निकालना है, और बाहर वाले शेल पे टोटल पोटेंशियल एक चार्ज 1 के कारण भी होगा, 2 के कारण भी होगा। तो 1 के कारण कितना होगा? तो आंसर है कि अब लिखना पड़ेगा वी आउटसाइड। जब आउटसाइड का केस होता है तो चेंज हो जाता है, समझ रहे हो ना, और वी सरफेस। तो देखो बेटा, ये ड्यू टू Q1 है, ये ड्यू टू Q2 है, ये ड्यू टू Q1 है, ये ड्यू टू Q2 है। तो कहने का मतलब फर्स्ट जो चार्ज है पहले वाले शेल पे, अंदर वाले शेल पे चार्ज Q1 है, तो सरफेस पे Q1 के कारण कितना पोटेंशियल होगा? इतना। Q2 के कारण अंदर वाले सरफेस पे, इनसाइड वाले सरफेस पे, लेकिन Q2 के कारण कितना होगा? इतना, ठीक है। अब Q1 के कारण आउटसाइड, Q1 के कारण बाहर वाले शेल पे कितना पोटेंशियल होगा? तो आंसर है K, चार्ज है Q1। अब बाहर वाले शेल पे देखना है तो रेडियस बाहर वाला लेना है, क्योंकि वहां तक जाना पड़ता है हमें जहां तक हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे A2। बस आउटसाइड में यही ध्यान रखना होता है कि चार्ज और रेडियस ये सेम नहीं चलते जैसे इनमें चलते हैं। इसमें चलेगा के Q2 A2, क्योंकि बाहर वाले शेल पे तो उतना ही होगा, सेम रहेगा वो। तो लो जी 5-2 आ गया। तो हमें तो बेसिकली निकालना करना है, फाइंड द चार्ज ऑन द इनर शेल, मतलब Q1 निकालना है, अंदर वाले चार्ज का हमने यहाँ पे बेटा Q1 फाइंड आउट करना है, टारगेट है। तो यहाँ कर लो 5-1 - 5-2, 5-1 - 5-2 क्या हो जाएगा देखना, के Q1 A1 के, कोई नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, ठीक है, A2 5-2 माइनस है ना, माइनस के Q1 A2 माइनस के Q2 A2, देखना कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसमें बेटा कहाँ करें वो यहाँ पे कर देते हैं, इसके बाद के Q1 कॉमन आ जाएगा, 5-1 - 5-2 निकाल रहे हैं, के Q1 कॉमन आ गया, A1 - A2 भी आ जाएगा। LCM ले लो बेटा यहाँ पर इसका, के Q1, क्योंकि Q1 तो निकालना ना, Q2 कट गया, अगर Q2 निकालना होता तो Q1 कट कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। इसलिए मैंने 5-1 - 5-2 कर दिया, नहीं तो 5-2 - 5-1 कर लेते। ओके, तो अब इसमें LCM ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, A2 - A1 - A2 भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, Q1 निकालना है, निकल गया, 5-1 - 5-2 की टर्म्स में निकालना था, निकल गया। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर लिखने जा रहा हूँ, 5-1 - 5-2 जो निकला है वो है के Q1 A2 - A1 A1 A2। तो Q1 कितना निकल गया बेटा यहाँ से,
phi 1 minus phi 2 a 1 a 2 divided by a 2 minus a 1 और 1 by k भी हो जाएगा ना, तो 4 by epsilon नोट ऊपर हो जाएगा, ठीक है? तो ये बेटा आंसर आ गया, लो जी। ऑप्शंस भी गिवन हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, जस्ट 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, इससे ऊपर नहीं जा सकता क्वेश्चन। बस ये कांसेप्ट देखो बेटा, कोई कल वाला कांसेप्ट है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला कांसेप्ट है। अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये कांसेप्ट, अगर कोई क्वेश्चन आएगा अच्छे से कर लोगे। कैविटी वाला भी मैंने समझा दिया, वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, कोई बहुत हाई लेवल पे नहीं चले जाते क्वेश्चन, मतलब होगा क्या इधर से ना पूछ के किसी और तरीके से पूछेंगे, पूछेंगे तो पोटेंशियल से रिलेटेड। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू मेटल स्फीयर रेडियाई r1 r2 विद r1 स्मॉलर है r2 से आर वेरी फार अपार्ट। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली कोरोना डिस्चार्ज के ऊपर कंसेप्ट बना हुआ है, और कोरोना वो नहीं कह रहा मैं, कोरोना वायरस दैट इज अ कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है? तो उसके ऊपर ये कंसेप्ट बना हुआ है, और ये एनसीईआरटी में भी है मेंशन, और ये कॉम्पिटिशन में भी बहुत आता क्वेश्चन। तुम में से अगर कोई बच्चा अरिहंत की बुक फॉलो अप कर रहा है तो उसमें ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट वे में। चलो स्टार्ट करते हैं फिर बेटा। यहाँ पे बेटा दो स्फीयर्स लिए गए हैं, जैसा कि मैं क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, डायग्राम तुम्हें बनाना है पढ़ पढ़ कर। टू मेटल स्फीयर्स, दो मेटल स्फीयर्स हैं, बहुत दूर है एक दूसरे से, वायर के साथ हमने इनको जोड़ दिया, ठीक है? और जो R1 है वो स्मॉल है, R1, R2 जो है बेटा वो बड़ा है, R2। ये स्फीयर नंबर 1 हो गया और ये स्फीयर नंबर 2 हो गया, कनेक्टेड विथ इन वायर इफ देयर कंबाइंड चार्जेस q, दोनों का कंबाइंड चार्ज है इनका q, मतलब इस पे अगर q1 है इस पे अगर q2 है तो q हो जाएगा बेटा q1 plus q, ठीक है? कंबाइंड चार्ज आएगा q इफ देयर कंबाइंड चार्ज, देन व्हाट इज आइदर कॉमन पोटेंशियल, मुझे कॉमन पोटेंशियल मतलब vc निकालना है, कॉमन पोटेंशियल निकालना है। देखो कॉमन पोटेंशियल निकालने का कांसेप्ट क्या है, आज इनको खत्म करना है बेटा, कल कैपेसिटर स्टार्ट करना है हर हाल में हमें, तो क्योंकि कैपेसिटर मैंने दो यूनिट्स हमारे रोक रखे हैं, सॉरी सेकंड यूनिट को मैंने इसलिए रोक रखा है तुम्हारा, और वो स्टूडेंट्स भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, वो स्टूडेंट्स भी मेरी सेकंड यूनिट की सारी वीडियोस को देख लो जहाँ तक मैंने करवा रखा है, क्योंकि कैपेसिटर जब तक चलेगा हमारा, कैपेसिटर के टाइम में तुम सेकंड यूनिट को रिवाइज कर सकते हो जहाँ तक मेरी वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं यहाँ पे, ठीक है? कार्बन रेजिस्टर उसमें लास्ट टॉपिक होगा आई थिंक, तो वहाँ तक रिवाइज कर लो। क्यों? जैसे ही कैपेसिटर के मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा तो मैं पैरेलली सेकंड यूनिट के और पैरेलली कैपेसिटर के दोनों के न्यूमेरिकल साथ साथ करवाऊंगा, दोनों में वो मेरा ये एक ये मान लो कि माइंड गेम है कि ये मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था, इसमें तुम्हारा ही बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? कैपेसिटर के और रेजिस्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स सेम होते हैं, जैसे किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं, वो सीरीज बनाने वाले न्यूमेरिकल्स हैं। तो बेटा इसीलिए मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक मेरा 4 डे 5 डेज जो कैपेसिटर में लगेंगे 2 डेज लगा कर चलो, बिकॉज जैसे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो दोनों के पैरेलल न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो मतलब अब हमारा कैपेसिटर और सेकेंड यूनिट एक साथ ही खत्म होंगे, तो एट द एंड ऑफ द मई तुम कैपेसिटर और सेकेंड यूनिट के न्यूमेरिकल में माहिर हो जाओगे, और वही मुझे तुम्हें करना है क्योंकि इसी दो यूनिट्स पे सबसे ज़्यादा जोर होता है हमारा कंपटीशन में भी और सीबीएसई में भी, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इन दो यूनिट्स में से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे इन दो यूनिट्स में घूमते हैं, तो मुझे इन दो यूनिट्स में तुम्हें ऐसा खड़ा करना है कि हाँ सारे कंसेप्ट तुम्हें पता है, एटलीस्ट प्रैक्टिस तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। देखो प्रैक्टिस मैं यहाँ नहीं करवा सकता, फिर तो बस हम दो चैप्टर ही कर पाएंगे, ठीक है? तुम्हारे पास पढ़ने के लिए पूरा दिन है, मेरे पास यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए 1 घंटा है, 1 घंटा भी कहाँ मिलता है हमें, स्कूल टाइमिंग के अकॉर्डिंग 40 मिनट 30 मिनट्स की वीडियो जाती है, ठीक है? तो बेटा थोड़ा कोऑपरेट करो, अपनी रिवीजन स्टार्ट करो सेकंड यूनिट की, जैसे ही मैं यहाँ कैपेसिटर स्टार्ट करूँगा कल, ओके? तो ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बार। यस बेटा करें स्टार्ट।
तो देखो बेटा इसमें एक ही कंसेप्ट देखना है तुमने और कुछ नहीं देखना, और मेरे ख्याल से सबको पता भी होगा। क्या पता होगा, ध्यान रखना, हमें एक चीज का पता है, बचपन में भी हमने देखी है वो चीजें, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को, कि जो हायर पोटेंशियल है और जो लोअर पोटेंशियल है, हमेशा जो फ्लो होता है वो किसी का भी हो, या तो एक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, मतलब एक चार्जेस का चैप्टर, तो चार्जेस का फ्लो होगा ऑब्वियसली, लेकिन हर किसी चीज में, जरूरी नहीं है सिर्फ चार्जेस हो, वो जो फ्लो करवाना है हमें वो कैसे करवाना है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल का। जैसे रात को क्या किया तुमने, रात को तुमने पानी के अंदर बादाम डाल के रख दिए, बादाम के अंदर वाटर कंटेंट कम है, बाहर तुमने कटोरी के अंदर पानी को भर दिया, ठीक है, बाहर वाटर कंटेंट ज्यादा है, बादाम के अंदर वाटर कंटेंट कम है, तो हाई कंटेंट से लो कंटेंट की तरफ वाटर फ्लो करेगा, तो बाहर से बादाम के अंदर जाने लगेगा, बादाम के अंदर पानी इंसर्ट होगा, तो डेट मीन्स कब तक होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गया, ठीक है, कब तक गया, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, दोनों के अंदर अमाउंट इक्वल ना आ जाए, ठीक है। तो ऐसा ही बेटा हर पॉइंट पे होगा, इसमें भी ऐसा ही होगा, तो इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, बीच में तुमने थिन वायर का कनेक्शन दे दिया, अगर थिन वायर का बेटा तुमने कनेक्शन दे दिया, तो मान लो इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, होगा ना पोटेंशियल, तो मैं तुमसे पूछता हूँ V1 कितना है बेटा यहाँ पर, तो तुम कहोगे V1 का सरफेस पे अगर चार्ज Q1 है तो KQ1R1 यही होता है, और अगर मैं पूछता हूँ V2 कितना है, तो V2 तुम बताओगे KQ2R2 ये होगा। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर तुमने इन दोनों को जोड़ दिया, अगर नहीं जोड़ा, इनको दोनों को अलग अलग रखा हुआ है, तब तो ये इनका पोटेंशियल होगा, अगर तुमने इनको दोनों को जोड़ दिया तो क्या होगा बेटा, ये चार्ज फ्लो करेगा और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक इनका पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। दिस इज द कांसेप्ट कि इसका और इसका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब इनका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं, जब ये जोड़ दिया हमने तो हम लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, उसको मैं VC लिख देता हूँ, ठीक है, वो V1 और V2 इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे V1 और V2, और इन दोनों को मान लिया ये V की इक्वल है, कॉमन पोटेंशियल के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को इक्वल रखो बेटा KQ1, ये कांसेप्ट बहुत अच्छा कांसेप्ट है बेटा, अच्छे से समझना इसको, R2 K से K को काट दो, तो यहाँ से Q1 को भी, इसकी यहाँ से Q1 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, Q2 की भी निकाल सकते हो, किसी की भी निकाल लो, दोनों इक्वल चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो मैंने Q1 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, Q2 ये R1 इधर चला जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 ये वैल्यू आ गई। बट हम जानते हैं Q1 प्लस Q2 ये जानते हो, यहाँ तक दिख रहा है तुम्हें, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है, थोड़ी सी रोशनी आ रही है बेटा, यहाँ पर शाइनिंग है थोड़ी, बट लिखा हुआ है ये बट कैपिटल क्यू, जो चार्ज है कैपिटल, ये वाला कांसेप्ट है, कैपिटल क्यू दोनों इन चार्जेस के बराबर है, टोटल चार्ज तुम्हें पता है, Q1 तुमने निकाल लिया, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं बेटा, Q = Q1 Q2 कॉमन आ गया बेटा यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, R1 / R2 + 1 LCM ले लो, Q2 = R1 + R2 / R2। तो ये कैपिटल Q आ गया, ओके। तो अब पोटेंशियल निकाल लो, Q2 पोटेंशियल देखो किसमें यूज हो रहा था, ये वाला पोटेंशियल है, कोई भी पोटेंशियल निकाल लो, अगर मैं Q1 निकालता तो इसमें पुट कर देता, क्योंकि दोनों सब इक्वल है आपस में, क्यों इक्वल है, क्योंकि इन दोनों को हमने एक तार के साथ, एक थिन वायर के साथ जोड़ दिया, जिसमें चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, कब तक फ्लो करेंगे, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा, कहां से कहां जाएंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, कब तक जाएंगे, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, अगर सेम हो जाएगा तो क्या होगा, हम कहेंगे फ्लो बंद हो जाएगा सिंपल, ओके। तो बेटा हम यहाँ पर निकाल लेते हैं V2, वो हमसे कहता है कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, बट मैं कहूंगा V1 निकाल लो या V2 निकाल लो, दोनों ही कॉमन पोटेंशियल इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कॉमन पोटेंशियल = V2। V2 किसके बराबर था बेटा, Q2 ये रहा तुम्हारे पास, इस टाइम देख सकते हो क्या है Q2 की वैल्यू, तो Q2 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ बेटा, Q R2 R1 + R2, ठीक है, ये Q, क्योंकि यहाँ से Q2 निकल जाएगा ना,
ये इधर आ जाएगा आर वन बार आर टू डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू टू की वैल्यू पुट कर दी और डिवाइड में आर टू भी है, आर टू से आर टू कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया बेटा तुम्हारा। के को क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 इंटू 10 रेशो 9 लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दो 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं, ऐसे ही छोड़ दो। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया के क्यू आर वन प्लस आर, दिस इज द आंसर, डन बेटा। अब आ जाते हैं इसके बाद लास्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन फॉर जेई, जेई का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, वो हर बार आता है। हाँ, उसमें मैं तुम्हें एक टास्क दूंगा, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ अभी उसकी कैलकुलेशन इजीली हो जाएंगी, ठीक है। और एक मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था, तुम चेक करना क्वेश्चन नंबर, मैं तुम्हें बता देता हूँ और उसे खुद ट्राई करना, लेकिन उसमें तुम्हें ट्राई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जरूरत है, बुक होनी चाहिए तुम्हारे पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, क्योंकि उसमें कुछ एंगल ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन सेम है बाकी, ठीक है। तो लेट्स ट्राई, यस बेटा। तो बेटा काफी टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ही लिए, कुछ रह नहीं गया ज्यादा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल हमारा वो, और उसको सॉल्व कर। होल्ड करेंगे एक सेकंड, ये स्टूडेंट सामने मैंने एक डायग्राम बना दिया बेटा, चेक करेंगे इसको। ये दो एक्सिस है बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन दिया था तुम्हें, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बस ऐसे बना हुआ है, एंगल को रेसिप्रोकल कर लेंगे वहां पे। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल पर आ रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यूज तुम्हें पता होती है, जो टेबल में आ जाती है वैल्यू, उनकी वैल्यूज ईजी होती हैं। अगर यहाँ पर मैं 15 डिग्री दे दूँ, 16 दे दूँ, 18 दे दूँ, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, टेबल यूज करना पड़ेगा, बस उसमें वही होगा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। ओ से ए तक दिया हुआ है 2 मीटर और ओ से बी दिया हुआ है 4 मीटर, मतलब यहाँ पर अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ तो 0, 4, 0 हो जाएगा, ए के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ तो 2, 0, 0 हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे ना इसके, तो बाकी सब कुछ ठीक है। और मुझे ए से बी पर पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वी बी ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वी बी ए, वी बी ए का मतलब दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ऑपोजिट भी आ जाता है निकालना, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे एक बात बताना, मैं तुमसे वही कंसेप्ट दोबारा से पूछ रहा हूँ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे तो पोटेंशियल कम होगा या ज्यादा होगा, तो आंसर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे तो पोटेंशियल कम होगा। और अब मैं तुमसे पूछता हूँ बी का पोटेंशियल ज्यादा है या ए का पोटेंशियल ज्यादा है, तो आंसर है बी का पोटेंशियल कम है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों? ए पॉइंट पीछे है, बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे है, जो पॉइंट आगे होंगे उनके पोटेंशियल्स कम होंगे। तो यहाँ पर देखो तुम क्या कर रहे हो, वी बी माइनस वी ए कर रहे हो, वी बी का पोटेंशियल क्या है, कम है, वी ए का पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब इसकी वैल्यू बड़ी है, तो जब बड़ी वैल्यू के आगे नेगेटिव आ जाएगा तो आंसर तुम्हारा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं कि आंसर कैसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 100 वोल्ट पर मीटर के हिसाब से, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हाँ ये भी ध्यान देना बेटा यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी की, पहले भी हम कर चुके हैं, फ्लक्स वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो इसके मैं कॉम्पोनेंट्स बना सकता हूँ, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट होगा, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा कॉस वाला कॉम्पोनेंट, क्योंकि एंगल है इधर कॉस 30 डिग्री साथ चलेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा ना बेटा ई एक्स कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस ई वाई साइन 30 डिग्री जे कैप। ई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है बेटा, कितनी गिवन है 100, कॉस 30 का हो जाएगा रूट 3 बाई 2 आई कैप प्लस 100, साइन 30 का हो जाएगा 1 बाई 2 जी कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 50 रूट 3 आई कैप 50 जी कैप, ये तो बेटा ई आ गया। अगर बात करूं पॉइंट की,
पॉइंट ए है हमारे पास 200, बी है 040, मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, दिस इज अ लिमिट कि यहाँ से 2 से लेके तुम्हें 4y तक जाना है, ये लिमिट है, इधर चलोगे ना, क्योंकि हमें निकालना क्या है, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन है बी, मतलब ए से बी पे जा रहे हो, इनिशियल है ए, ठीक है। तो करते हैं बेटा, अब हमारे पास पोटेंशियल निकालने का, मतलब वी बी ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी बी ए, वी बी माइनस वी ए, इसको निकालने का फॉर्मूला है नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो यहाँ पे लिमिट्स लग जाएंगी। ओके, तो लिमिट क्या होगी बेटा, ए टू बी, ए से कहाँ तक जाओगे, बी तक जाओगे, ठीक है, ए और बी की वैल्यूज गिवेन है, तो देखते हैं डी आर, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, इसके भी कॉम्पोनेंट्स में कार्टेशियन कॉम्पोनेंट्स में लिख देंगे इसको, क्योंकि अभी वेक्टर फॉर्म चल रही है, तो नेगेटिव वैल्यू पुट करो ए की, 200, मतलब x 2 है, y 0 है, z 0 है, और ये हो जाएगा 040 e, ये रहा e, 50 root 3 i cap plus 50 j cap, dr को बेटा क्या लिखोगे, dx i cap, dy j cap, dz k cap, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आई कैप से आई कैप मल्टीप्लाई होगा, बाकी जीरो होता चला जाएगा, जे कैप से जे कैप वाला मल्टीप्लाई होगा, बाकी जीरो होता चला जाएगा, तो कहाँ सॉल्व करें, यहाँ पे कर दे, देखो वी बी माइनस वी ए निकाल रहे हो, ये आ जाएगा नेगेटिव 200, तो नेगेटिव तो नहीं लिया होगा, देखना एक बारी वैल्यू, एक सेकंड चेक कर लो, वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है, ये नेगेटिव है बेटा, एक ओरिजिन से इधर है ना, माइनस टू है, माइनस है क्योंकि ये ओरिजिन से इधर है ना, एक्स नेगेटिव आ रहा है इसका, ठीक है। ओके, तो ये करना बेटा 50 रूट थ्री डी एक्स, ठीक है, ऐसी हो जाएगा प्लस 50 डी वाई। ओके, अब सॉल्व करते हैं, ये हटा देता हूँ मैडम नीचे से, इसको दोनों तरफ ले जाते हैं, या डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इतना तो तुम बेटा समझ जाओगे, ये माइनस है, इतना तो समझ जाओगे ना, इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाती होती है, इसके पास भी आ जाएगी, इसके पास भी आ जाएगी, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक्स होगा ना, तो ये आ जाएगा 50 रूट 3 एक्स, ठीक है, लिमिट लग जाएगी यहाँ पर, और ये लिमिट क्या पुट हो जाएगी, माइनस 2 0 0 0 4 0 प्लस 50 डी वाई की इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, वाई वाई लिमिट लग जाएगी बेटा, वही माइनस 2 0 0 0 4 0, ठीक है। तो बेटा अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करोगे, तो जब बेटा अपर वैल्यू करोगे तो कुछ है ही नहीं अपर वैल्यू में, तो x 0 है क्योंकि y को तो पुट करोगे नहीं x में, ठीक है, तो सिर्फ लोअर वैल्यू ही पुट होगी, तो जब बेटा यहाँ पे नेगेटिव चल रहा था, ठीक है, तो लोअर वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी, तो लोअर वैल्यू को कैसे पुट करें देखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2, मतलब ये आ जाएगा बेटा तुम्हारा 2510 माइनस 100 रूट 3, एक्स की वैल्यू को माइनस 2 पुट करोगे ना, माइनस के साथ करोगे, माइनस के साथ क्यों करा, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होती है, ठीक है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, और ये माइनस था तो ये माइनस उसको फिर प्लस बना देगा, समझ आ गया, अपर वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि उसमें एक्स नहीं है, ठीक है, प्लस, अब इसमें से बेटा 4 पुट होगा, अपर वैल्यू पुट होगी लेकिन लोअर वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे इसमें, ठीक है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू नहीं कर पाओगे, लोअर में वाई नहीं है, ठीक है, जो है वही पुट करोगे ना, तो 4 पुट करेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा बेटा सीधा 200, ठीक है, वाई की जगह 4 पुट कर दिया,
तो क्या आ जाएगा आंसर बेटा, माइनस 200 और 100, 100 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 100 ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस रूट थ्री वोल्ट, कितने वोल्ट पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ये आंसर आएगा। ये देखो बेटा आंसर नेगेटिव में आया तुम्हारा, ठीक है। अब इस टाइप का कंसेप्ट जेई के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सीबीएसई में इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, वो वाला कंसीडर करो। क्वेश्चन नंबर था वो 10, असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, जो भी तुम्हारी प्रीवियस असाइनमेंट्स होगी उसमें मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन नंबर 10। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सक्सेसफुली वी हैव डन अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड टुमारो वी विल स्टार्ट कैपेसिटर, ऑल द बेस्ट। ओके बेटा, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, प्रैक्टिस जरूर करना बेटा हर क्वेश्चन की अच्छे से।